दुख को दूर कर सुख पर पूर कर, दुख को
हे
ऐसी नहीं ऐसे होती है। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, हवा में उड़ती जाऊंगी, बाबा जोर पकड़े रखना नहीं तो भटकी जाऊंगी, बाबा जोर पकड़े रखना नहीं तो भटकी जाऊंगी। सतगुरु बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए कान्हा के श्रृंगार को दिखाता हुआ एक प्यारा सा भजन ला रहे हैं, लेकिन इस भजन में आप सब भक्तों को भी हमारा साथ देना है और कुछ नहीं कहना है, बस हमारे कान्हा जी की तारीफ में दो शब्द कहने हैं और आपको कहना है वाह वाह क्या बात है। क्या कहना है भक्तों? वाह वाह क्या बात है। तुम्हारे कजरारे घूंगर वाले बा, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, अधरों पे तेरे मुरली सोहे, अधरों राधे राधे साथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है।
हेमकोटकर जी का पोता बेटा जब युद्ध लड़ने जाने लगा तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तुम किस तरफ से लड़ेगा, तो उसने बोला माँ मैं उस तरफ से लड़ूंगा जिस तरफ से तू मुझे लड़ने को बोलेगी। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा तू ऐसा करना जब तू युद्ध भूमि में जाएगा तो जो, क्योंकि उसकी माँ की कैलकुलेशन ये थी कि पांडवों की सेना तो कम है शायद वो हार रहे हैं, तो जो हार रहा होगा तो उसकी तरफ से लड़ना। और तब से लेके आज तक मेरा श्याम बाबा हमेशा जो भी हार रहा होता है, जिसके दिल में जिसके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है, जोरदार तालियां हो जाए भक्तों, कि उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उसकी हार निश्चित है, तो उसका सहारा मेरा श्याम बाबा बनता है। पर श्याम बाबा के बारे में भी एक बात बहुत लोगों ने परखी है, पाई है। क्या? कि फैसला दरबार का सावरे सरकार का, इसका फैसला तुम नकार नहीं सकते। तुम अपने मन में जो भी मुराद लेकर जाओ, जो भी इच्छा लेकर जाओ, जीवन में जो मर्जी चाहो, होगा वही जो ये चाहेगा। इसलिए फैसला दरबार का, सांवरे सरकार का मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, बोलो मंजूर है, मंजूर है। किस किस को मंजूर है? तो भक्तों जिस जिसको मंजूर है अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी ताली के साथ क्या बोलोगे? मंजूर है, 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 फैसला दरबार का अनुबेली सरकार का, फैसला दरबार का अनुबेली सरकार का, मंजूर है, 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 मंजूर है।
कोई पूछता था कि भैया आज क्या खाया है, तो वो हर किसी को बोलते थे कि भैया हम तो आज ग्यारस मना रहे हैं। वो अपना हर दिन ग्यारस मनाते थे। ग्यारस का मतलब घर में चूल्हा नहीं चढ़ेगा। आज भी गुजरात में वह चीज होती है कि ग्यारस के दिन लोग अपने घर में चूल्हा नहीं चढ़ाते, मतलब कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो उस समय में, अब मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं है, ये बात बोलने की जगह, क्योंकि ब्राह्मण आदमी है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज है, तो वो ये नहीं बोलता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो बोलते थे कि हम तो आज ग्यारस मना रहे हैं। तो ऐसे ही बुरे हाल में सुदामा जी अपनी पत्नी के कहे पर अपने मित्र कृष्ण द्वारकाधीश को द्वारका मिलने के लिए आए। तो जब वो आए तो द्वारपालों ने उनको पूछा, अरे कहां जाता है? तो सुदामा जी बोले, अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल है, कृष्ण के दर पे एक आस लेकर आया हूँ, मेरे बचपन का यार है इसलिए ये फरियाद लेकर आया हूँ। कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के गरीब आ गया
दरबार में भोलेनाथ का आना भी बनता है कि नहीं। तो आइए एक मीठी सी भेंट तपन सर के मुख से सुन। ऊंचे ऊंचे
ओ कैलाश वाले भोलेनाथ बाबा, हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। जोगी रे जोगी देखो नगरी, I'm not afraid.
मैया के दरबार में
खड़े सभी हाथ जोड़, देने वाली एक है मांगे लाख करोड़। माँ इतना धन मोहे दीजियो, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा साधु न खाली जाए। मेरे दुख तेरे दरदाती, तुझ बिन आखा के नू, तेरे जय मनोर न कोई मेरे जय लख तेनू। ना कर नफरत शेरा वाली, ना दर्द तो तंगी मैनू, जे बच्चियां विच ऐब न हुंदे मां ऐसी शक्तिशाली को मेरा बार बार प्रणाम। जिनकी दया पार से मेरा मन पावे विश्राम। शेर वाली जगदम्बे को मेरी कोटि कोटि दंडों, जिनकी दया दृष्टि से मुर्दा जिंदा होए। बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी मैया मिली, मेरे पूरण हुए सब काम। माँ शेर चढ़ी दुर्गे मिली, मेरे बिगड़े सवारे काम। कमल विराजे लक्ष्मी मेरे अड़े सवारे काम। जयकारा शेर मनदा बोल सच्चे दरबार की जय। वैष्णो देवी मात की जय। आशापुरा मात की जय। चिंतपूर्णी मात की जय। भद्रकाली मात की जय। अंबे मात की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवनसुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गजानन गणपति महाराज की जय। द्वारिकाधीश की जय। आज के आनंद की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने मात पिता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। भैरो बाबा तेरी सदा ही जय।